लास्ट में हमने क्या किया था, वन अबाउट द टीम एंड अनदर टॉपिक वाज प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। प्रोसेस गोज थ्रू अ मैच्योरिटी स्टेजेस और हमने कहा सर्विसेज, आप सर्विसेज अपनी लिखें, हर सर्विस का प्रोसेस डिफाइन करें। प्रोसेस डिफाइन करने को आप बड़ा अच्छा चार्ट भी बना सकते हैं कि जिसमें एक तरफ आपके एक्टर होंगे कि कौन क्लाइंट ये करता है तो ये किसके पास जाती है और फिर ये किसके पास जाती है और ये फिर किसके पास जाती है। इधर आपके वो स्टेप्स हो रहे होते हैं कि उसको रिसीव करना, उसको वैलिडेट करना, उसको रिस्पॉन्ड करना, वराना का ठीक है। तो ये आपके प्रोसेस अगर मैप नहीं हुए हुए तो फिर आपके नए बंदे को आप वो गलती करेगा तो वो कंसिस्टेंसी रहेगी नहीं। कोई अनट्रेंड बंदा काउंटर पर नहीं बैठा होना चाहिए ना, काउंटर पे बैठे होने के बाद उसे पता हो कि मैंने क्या सवाल पूछने हैं फ्रॉम फायर, तो वो डिफाइंड प्रोसेस है। ठीक हो गया, तो और क्या आपने सीखा इन टीम? डिलेड ग्रेटिफिकेशन, हाँ या अनलेस यू गिव देम दैट, और या उनका उसमें स्टेक हो, पुट दैट, ट्राई टू बिल्ड दैट स्टेक्स। और सेल्फ कनेक्टेडनेस, कनेक्टेडनेस, हाँ वो कनेक्टेडनेस ऑटोमेटिकली नहीं हो जाती, यू हैव टू डिजाइन। क्यों मलेशिया में सातु मलेशिया, वन मलेशिया बार बार लिखा होता है? Government knows that they are a different, distinct community. They don't interact with each other unless you make them interact in festivals in Flana. Milestone parties is a must. ठीक है, ताकि उनको एक achievement भी हो और sense of achievement। Okay, ये बात होगी and next we go to something। Okay, एक चीज जो आपने services में फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते हैं ना, एक चीज में हम कॉल करते हैं जूम की जॉइंट पे आ जाता है, आर यू सैटिस्फाइड, ठीक है ना, वो फीडबैक आपने फीडबैक के प्रॉम्प्ट हर जगह रखने हैं, ठीक है ना। वो ना दे लेटर, ना दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट, बट आप रखते तो हैं ना, और प्लस वहां से जो क्वेरीज आती हैं वो भी आपने देखें। स्टैंडर्ड्स ये हैं कि अगर एक भी क्वेरी आई और अनरिस्पॉन्डेड चली गई तो यू आर नॉट एट सर्विस स्टैंडर्ड्स, मतलब आप आईएसओ के स्टैंड पे नहीं फॉलो कर सकते। तो उसका मतलब है कि फीडबैक का एक एनालिसिस, आपकी एनालिटिक्स, हाउ वेल वी सर्व्ड पे आपके डैशबोर्ड में एक एनालिटिक्स डे वन से होनी चाहिए कि सर्विसेज का जो हमारा डैशबोर्ड है, किस टीम के पास क्या सर्विसेज आई और कितनी आई और कॉल लेवल क्या था और व्हाट रिस्पांस टाइम क्या था, वो आपको खुद डिजाइन करना पड़ेगा एक, ठीक है ना, ताकि वो आपका डैशबोर्ड हो, टू मेक दोस डैशबोर्ड्स। तो आप सर्विसेज से फिर काफी चीजें निकलती हैं। ओके, नेक्स्ट वी गो, एक जो चीज है, दीज आर नाउ बिग लेसन्स एक्चुअली फॉर लॉन्गर टर्म थिंकिंग, कि हम यहां पहुंचना चाहते हैं, वो आप किसी वक्त इसको आपने लिखना है कि हम यहां पहुंचना चाहते हैं। राइट नाउ वी आर हियर एज इज, इसको इस वक्त छोड़ दें, और हम जो आपके विजन हैं, इस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके लिए आपके पास ये टू बी स्टेज है आपकी, एंड यू वांट टू बी देयर इन सिक्स मंथ्स, थ्री मंथ्स, व्हाटएवर, या टू इयर्स, व्हाटएवर। आप लिखें कि यहां के लिए आपको क्या कैपेबिलिटीज चाहिए टू बी दिस activities with the serious and accessible and verification and flana, what capabilities in the system you need, aur system mein aap bhi 4p ki term mein sochein, people, process, policy or your technical platform and culture. Ye maine kai jagah bana ke aapko dikhaya hai na ki ye charon p ye hote hain jisse system banta hai, people, processes, policies, platforms and they are tied up through a chassis, with the chassis is culture. Aapne apna culture kaise rakha hua hai, रिस्पेक्ट वाला और प्रोफेशनल, या बड़ी के कभी आए कभी ना आए, ठीक है। तो ये वो कैपेबिलिटीज आपको जो चाहिए इन टेक्नोलॉजी, इन फाइनेंशियल्स, इन टीम्स स्किल्स, क्योंकि टीम जब आती है ना तो सिर्फ नॉलेज और स्किल काम नहीं करता, एटीट्यूड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हम क्यों कहते हैं कि वो प्राइमरी स्कूल में हम मर्द नहीं रखेंगे, एटीट्यूड नहीं होगा, मोस्ट ऑफ बाई एक्सेप्शन हो सकता, खवातीन आर बेटर कनेक्टर्स टू चिल्ड्रन। ओके, तो कैपेबिलिटीज क्या चाहिए, वो कैपेबिलिटीज लिखें, दैट्स अनदर वे ऑफ थिंकिंग व्हेन यू हैव डन योर बेसिक थिंग्स। फिर आप देखें कि अच्छा, कैपेबिलिटी टीम को ये चीजें सर्विसेज का पता होना चाहिए, टीम को
कम से कम नज थ्योरी का पता होना चाहिए, टीम को कम्युनिकेशन की बेसिक का पता होना चाहिए, टीम को सिस्टम में ये होना चाहिए, सिस्टम में ये एनालिटिक्स होना चाहिए, सिस्टम में ये डैशबोर्ड होना चाहिए, हमारे सारे नेटवर्क्स जितने भी एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ कनेक्ट करके एक हमारा प्रोसेस होना चाहिए कि एक बंदा डेली उन 30 वेबसाइटों पे घूम के आता है और चीज़ देखता है, एक बंदा डेली इन 15 वेबसाइटों पे बुक मार्क वेबसाइट पे देखता है कि कोई नई अनाउंसमेंट हुई है DHA में फलाने में फलाने में फलाने में फलाने, सबकी वेबसाइट्स है ना, बट somebody has to go and see. Later, you automate this process with technology. Day one में आपके पास नेट क्रॉलर नहीं होंगे, ठीक है ना, पहले आप ह्यूमन से करवाएं फिर उस प्रोसेस को ऑटोमेट करना शुरू कर दें. एनीथिंग विच कैन प्रोग्रामेबल मस्ट बी ऑटोमेटेड. तो वो आप कैपेबिलिटीज आपकी क्या होंगी, क्या क्या आप डेली नेट क्रॉल करते हैं, क्या आपने गूगल में अलर्ट लगाए हुए एज इट हैपन्स, और उसमें कैपेबिलिटी लिखी हुई है, गूगल के अलर्ट्स बहुत काम आते हैं, तो खुद खुद करते रहते हैं, खुद पाते रहते हैं, ठीक. तो अब आपकी कैपेबिलिटीज इस वक्त कितनी है, हो सकता है आपके पास ऑपरेशन का बुलंद देना हो, सकता है आपको कॉल अटेंड करने वाला उसको सही सवाल ही ना आते हो, आपको खुद ना आते हो कि इस किस्म का बंदा आए जो ये पूछे मुझे स्कूल चाहिए, मैं कौन से सवाल पूछने, ये रनिंग स्कूल चाहिए पढ़ने, किस इधर में आपके क्लाइंटेल किस किस्म की चाहिए, 3,000 फीस देने वाले 5,000 वाला, तो मैं उस हिसाब से देखिए, ठीक. तो मैं अपना जवाब जाहिर दे सकता हूँ अगर मेरा डेटा रेडी है तो, मैंने अपनी एक अगर रिपोजिटरी, देखिए मैं इसका जवाब तब देख सकता हूँ कि एट द सेम टाइम मैं गूगल भी खोल के बैठा हूँ, अपना डेटा भी खोल के बैठा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें देख के रन करके देख बता सकता हूँ, अच्छा नहीं ये सब तो चेस किया नहीं, CDA ने तो ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, क्योंकि मेरे पास अपनी कल की रिपोर्ट में आ गया होगा कि CDA DHA फलाना 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 कराची ये ऐलान हुए हैं. कोई बंदा मेरी टीम में वो सिर्फ स्कैनिंग कर रहा है ना, ठीक, तो मेरा वो नॉलेज ही नहीं है, ये कैपेबिलिटी तो मैं कह रहा मेरे पास है, ठीक है होनी चाहिए नॉलेज, वो खुद ही फिल कर ले. तो वो कैपेबिलिटी इस वक्त मेरे पास कितनी है, सॉरी इधर शुरू करें कि चाहिए क्या, ये वो बैकवर्ड प्लानिंग है जो आप कहते हैं बैकवर्ड प्लानिंग, व्हाट कैपेबिलिटीज आर रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम नेटवर्किंग प्रोफेशनल कम्युनिटी बी पार्ट ऑफ दैट ऑल दोस एंड ऑल दोस फोर पीस. और ये देखें कि इनमें इस वक्त हम कहां खड़े हैं, ये दुनिया में कोई 2000 प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड टॉप के बंदों ने एनालाइज किए, टॉप के बंदे जो रियल टॉप के बंदे, तो उन्होंने देखा कि जो प्रोजेक्ट बड़े अच्छे वेल कंसीव्ड होने के बाद जो फेल हो रहे थे कंसिस्टेंटली, उनमें ये था कि ये नहीं किया गया, दे डिड नॉट सी कि हमें कैपेबिलिटीज चाहिए क्या, और वो कैपेबिलिटी का फिर गैप निकलता है, और फिर यहां पहुंचने के लिए फिर मैं कहता हूं कि यार फिर 3 महीने के बाद इसके ये इंडिकेटर होने चाहिए, यहां मैं पहुंच चुका हूं, यानी और यहां मैं पहुंच चुका हूँ, ये आप लॉन्ग टर्म भी बना सकते हैं, 5 साल के बाद भी बना सकते हैं, 2 साल के बाद भी बना सकते हैं, ठीक. तो यहाँ पे मेरे ये सिम्टम्स होंगे, और यहाँ पे मेरे ये सिम्टम ना हुए तो मैं ये सिम्टम नहीं अचीव कर सकता. अगेंस्ट ईच, ये जो ABCD है ना आपका, ABCD, ये आपका A-1 और A-2 और A-3 इस वक्त कितने हो सकता है, आप 0 पे हो, राइट. तो ये आपने करना है, इसमें जो आपके गैप निकलेंगे ना, इसको कहते हैं कैपेबिलिटीज गैप एनालिसिस. 80% ऑफ द फेलियर ऑफ द टीम हु वर विजनिंग टू डू समथिंग बट वर नॉट एबल टू, उन्होंने ये नहीं किया था. दो दूसरा था, एक उन्होंने कैपेबिलिटी गैप एनालिसिस नहीं किया था, और दूसरा उन्होंने अपनी टीम में कोई अकाउंटेबिलिटी के फ्रेमवर्क नहीं डाले हुए थे. अकाउंटेबिलिटी में जिजाओ से ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, हु विल डू, वो जो ठीक बंदा 3 दफा काम नहीं करता, वो भूसा और फिजर से सीखे ना, पार्ट ऑफ द वे, ठीक हो. तो ये आपका था, हमने ये एक काम कर लिया है, ठीक है.